हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे यूनिट फर्स्ट जो है आपके डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्लियर। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन बात करेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को यूनिट वाइज वन बाय वन करके अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। क्लियर। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट जो हैं उनकी बात करेंगे अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। इनके बारे में अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन बात करते हैं अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल जो है वो सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस जो क्लासिफिकेशन इंडिकेट करवाए, ठीक है। इसने सबसे पहला जो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। फिर देखिएगा, अपन कह सकते हैं अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो अपन कह सकते हैं कि जो अरिस्टोटल हैं आपके, उन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है अटेम्प्ट किया और बताया, ठीक है, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये अरिस्टोटल हैं आपके। क्लियर। देखिएगा, इन्होंने लिविंग थिंग्स पर अपना क्लासिफिकेशन दिया और कहा कि प्लांट्स और एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। प्लांट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। अभी अपन कुछ टर्म्स और देखेंगे आगे। फिर एनिमल्स को हैबिटेट बेसिस पर डिवाइड किया, लैंड पर, भूमि पर पाए जाने वाले, वाटर जल में पाए जाने वाले, एयर वायु में पाए जाने वाले एनिमल्स, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर प्लांट्स के लिए बात की गई है और यहाँ पर एनिमल्स के लिए बात की गई है। क्लियर। तो देखिएगा, नेक्स्ट जो है आपके सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन जो था वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस था। क्लियर बेटा। तो देखिएगा आगे क्या बताया गया। अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन में क्या बात आई, प्लांट्स को इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रीज, सर्व्स और हर्ब्स। देखिएगा, ट्रीज लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर लेते हुए ये प्लांट्स फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। और सर्व्स ये मीडियम साइज की जो भी झाड़ियां वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं। और ये देखिएगा, ये हेजेज, स्मॉल जो हेजेज हैं उनकी बात की इन्होंने। तो अपन कह सकते हैं कि प्लांट्स को अरिस्टोटल ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रीज, सर्व्स और हर्ब्स। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द अदर क्लासिफिकेशन विच अरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल इनटू, और एनिमल्स को भी इन्होंने हैबिटेट बेसिस पर और उनमें पाए जाने वाले आरबीसी बेसिस पर डिवाइडेशन किया। तो देखिएगा, वो डिवाइडेशन क्या है, एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने। किस तरीके से? एक एनिमल विथ रेड ब्लड, या अपन कह सकते हैं जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट हो, क्या हो, आरबीसी प्रेजेंट हो।
एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड और जिनके पास आरबीसी क्या हो, एब्सेंट हो। ठीक है, इस बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मैमल्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स, फिशेस। इधर देखिएगा, आरबीसी एब्सेंट है तो इंसेक्ट्स, जेलीफिश। क्लियर। फिर देखिएगा, इन्होंने कुछ टर्म यूज किए, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा क्या होता है? एब्सेंस ऑफ आरबीसी। ठीक है, मतलब ऐसे एनिमल्स जो आरबीसी नहीं रखते हैं, और इनाइमा जो आरबीसी रखते हैं। क्लियर। ओके, फिर अपन बात करते हैं लीनियस क्लासिफिकेशन की। लीनियस मेड टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और लीनियस ने जो है वो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को बताया, और ये काफी पॉपुलर भी रहा। क्लियर। देखिएगा, ये लीनियस हो गए आपके, हेयर स्टाइल बहुत ही लाजवाब दिख रही है यहां पर। देखिएगा, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन, दैट्स इंक्लूड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, और इन्होंने दोनों ही ऑर्गेनिज्म को, जैसे प्लांट्स को और एनिमल्स को, दोनों को ही इंक्लूड किया और बताया कि क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको इजी से आप पहचान सकते हैं, ये इन्होंने बताया। फिर देखिएगा, जैसे ही अपन बात करते हैं कि किस तरीके से टू किंगडम सिस्टम को डिस्क्राइब किया इन्होंने, तो देखिएगा टू किंगडम सिस्टम जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और कहा गया कि प्लांट्स के लिए प्लांटी वर्ड यूज होता है और एनिमल्स के लिए एनिमेलिया वर्ड यूज होता है। तो अपन कह सकते हैं प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम पाए जाते हैं। उस टाइम के क्लासिफिकेशन में ये बताया गया कि सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक तो प्लांटी में रखे जाते हैं और एक एनिमेलिया में रखे जाते हैं। तो सभी प्लांट्स को प्लांटी में इंक्लूड किया और सभी एनिमल्स को एनिमेलिया में इंक्लूड किया इन्होंने। क्लियर। देखिएगा, ये प्लांट्स दिख रहे हैं सभी, झाड़ियां वगैरह, स्मॉल, मिडल और ट्रीज सभी दिखाई दे रहे हैं। क्लियर। ऑल टाइप के एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिएगा, इन्होंने बताया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली, और ये बहुत ही अच्छा जो क्लासिफिकेशन बताया जा रहा था इस टाइम का। ठीक है, मतलब जब लिनियस ने ये दिया उस टाइम ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता था, और ये काफी पॉपुलर भी रहा था, जब तक कि नए क्लासिफिकेशन इंक्लूड नहीं हो गए। क्लियर। देखिएगा, लिनियस सिस्टम डिड नॉट डेजिग्नेस बिटवीन द यूकेरियोट्स एंड प्रोकेरियोट्स, और इसके ये कुछ ड्रॉबैक्स रहे कि लीनियस ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम सेलुलर लेवल पर इतना ज्यादा स्टडी नहीं हुआ था कि वो यूकैरियोट्स को और प्रोकैरियोट्स को डिफरेंशिएट कर सके। क्लियर। तो देखिएगा, अपन कह सकते हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इनको डिफरेंशिएट नहीं किया गया था, ये इसका मेन ड्रॉबैक्स थे। क्लियर। तो देखिएगा, नेक्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड अंडर प्लांट्स, और प्लांट्स में जो टू किंगडम सिस्टम इंक्लूड किया जा रहा है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया को प्लांट्स में इंक्लूड किया गया,
ये देखिएगा, ये बैक्टीरिया होते हैं, स्लाइड में आपको बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है आपके सामने, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, एल्गी, एल्गी को इंक्लूड किया गया प्लांट्स में। ये देखिएगा, सरफेस पर एल्गल ब्लूम टाइप में फैला हुआ है। नेक्स्ट जो है आपके फंजाई, ये देखिएगा, फंजाई किसी प्लांट की रूट्स के ऊपर, बाहरी सतह पर रूट्स के ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं, ये देखिएगा यहां पर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रायोफाइट्स को रखा गया, ब्रायोफाइट्स को भी प्लांट्स में इंक्लूड कर दिया गया है इनके द्वारा। ये देखिएगा, ब्रायोफाइट्स की ग्रोविंग दिखाई गई है यहां पर स्लाइड में आपके, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, टेरिडोफाइट्स को भी रख दिया गया। ये टेरिडोफाइट्स देख लीजिएगा, ये कौन है, बाहर की ओर आ रहा है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को भी रखा, ये देखिएगा जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म को भी प्लांट्स में ही रख दिया, और मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट क्रिएट की गई यहां पर, क्लियर। ये देखिएगा प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स बोले जाते हैं, आपको पता है। एंजियोस्पर्म जो है वो फेनेरोगैम्स डिवीजन के मेंबर हैं। देखिएगा नेक्स्ट, इसमें द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दैट वॉल किंगडम वॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन दियर सेल्स, और इन सभी सेल्स में सेल वॉल की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग मैन जो कैरेक्टर था इनका, वो क्या था क्लासिफिकेशन का, सेल वॉल। मैन जो कैरेक्टर रहा यहां पर क्या रहा, सेल वॉल रहा, ठीक है। सेल वॉल के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया यहां पर, क्लियर। फिर देखिएगा नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर वन कैटेगरी इवन थो दे वाइडली डिफर अदर कैरेक्टर्स। लिनियस पैलेस, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अदर ग्रुप्स अंडर यूकैरियोट्स, क्लियर। तो अपन कह सकते हैं कि लिनियस जो है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को एंड अदर ग्रुप अंडर यूकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, इन सभी को एक ही ग्रुप यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। ये देखिएगा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का डायग्राम, क्लियर। ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, टू किंगडम सिस्टम इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडर वन ग्रुप, और ये भी क्या है, इसकी मेन जो है वो डिफ्रेंशिएट की गई ड्रॉबैक्स हैं कि यूनिसेलुलर को और मल्टीसेलुलर को एक ही ग्रुप में कंसिडर किया गया या इंक्लूड किया गया, क्लियर बेटा, ओके। एग्जाम्पल देखिएगा, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वेयर पैलेस टुगेदर अंडर एल्गी, और क्लेमाइडोमोनास को और स्पाइरोगायरा को कहाँ रख दिया गया, एल्गी के अंदर रख दिया गया या एल्गी में इंक्लूड किया। ये देखिएगा क्लेमाइडोमोनास फ्लेजिलेटेड है, दो फ्लेजिला दिखाई दे रहे हैं, क्लियर, और ये हो गया आपके स्पाइरो
गायरा, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो गायरा। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा इसमें, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप्स फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, और हेटरोट्रॉप्स को और ऑटोट्रॉप्स को इसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, एक ही साथ रख दिया। ये देखिएगा, फंजाई किसी वुड पर ग्रो कर रहा है, प्लांट्स लैंड पर ग्रो कर रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं यहां पर द सेल वॉल इन फंजाई मेड अप विथ काइटिन, और यहां पर जो सेल वॉल फंजाई में सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की। इन ग्रीन प्लांट इन हैज ए सेलुलोजिक सेल वॉल, और प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पे सेल वॉल क्या हो गई, अलग अलग हो गई, फिर भी इनको एक ही साथ मेंशन्ड किया गया। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए क्लाउड शेप में इसको ड्रॉ किया गया है स्लाइड पर। क्लियर? और प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। नेक्स्ट देखिएगा, काइटिन का स्ट्रक्चर, काइटिन का स्ट्रक्चर हो गया ये आपके, ठीक है। ये देखिएगा काइटिन का स्ट्रक्चर, इसके बाद देखिएगा ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर हो गया आपके। क्लियर? ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, क्योंकि अपने बायोमोलिक्यूल में भी इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे अपन, वहां पर भी ये डिस्कशन होगा। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडरिंग द अबाउ रीजन टू किंगडम क्लासिफिकेशन फाउंड इनएडिक्वेट फॉर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि इसके मैन जो है वो कुछ रीजन्स रहे जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रचलन में नहीं रहा। क्लियर? क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, और ये जो सेवरल चेंजेस होते हैं या फिर जो भी, जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ती गई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस आते गए और नए नए जो हैं क्लासिफिकेशन टाइप बताए जाने लगे। क्लियर? आफ्टर टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट फेल्ट दैट अदर कैरेक्टर लाइक सेल स्ट्रक्चर, कि मतलब टू किंगडम सिस्टम के बाद अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ओके, ये देखिएगा, एक सेल का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सेल वॉल है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ड्रॉ किए गए हैं आपकी स्लाइड पर, तो देख लीजिएगा इनको अच्छे से एक बार, ठीक है। वैसे अपन साइटोलॉजी में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। क्लियर बेटा? ओके, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में यहां पर दिया हुआ है, तो एक बार गो थ्रू हो जाइएगा।
क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का नेचर क्या है, किसका बना हुआ है उस बेसिस पर। ये देखिएगा यहां पर सेल वॉल का नेचर जो है इसमें मिडिल लैमेला, ठीक है, इसके बाद जो है प्राइमरी लैमेला, सेकेंडरी जो है मेम्ब्रेन, उसको बताया गया है। इसमें फाइबर हैं, ठीक है, सेलुलोज की स्ट्रिप्स हैं, ये सारा स्ट्रक्चर सेल वॉल का, कंटेंट्स का है। क्लियर। ये भी देखेंगे अपन साइटोलॉजी में डिटेल से। नेक्स्ट देखिएगा, मेडो न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, ये भी कैरेक्टर डिफाइन कर दिया गया। देखिएगा एक प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहा है, हैबिटेट किस हैबिट में वो रह रहा है। ये देखिएगा किसी बहुत ही अच्छे सी का डायग्राम है ये, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसका मेथड भी डिफरेंशिएट कर दिया गया, ठीक है। ये एक लाइफ साइकिल बताई गई है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो मेन टॉपिक यहां पर क्लासिफिकेशन का माना जाता है वो क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर है। क्लियर। तो देखिएगा यहां पर कि किस तरीके से किसका रिलेशन किसके साथ सुटेबल है ये बता दिया गया, और बिल्कुल ये बताया गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के नियरली है, निकटवर्ती माना जाता है। क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस आवर ए पीरियड ऑफ एज टाइम, और ये जो सेवरल चेंजेज हैं वे टाइम के साथ साथ होते गए, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, नए नए साइंटिस्ट आए और क्लासिफिकेशन पर वर्क हुआ, तो ये चेंजेज देखने को मिले। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, और प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो कॉन्स्टेंट रहे सभी अलग अलग सिस्टम्स में, ठीक है, बाकी अदर जो है वो सिस्टम में अदर किंगडम इंक्लूड होते चले गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आर एच व्हिटेकर ने 1969 को बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक लाइक क्लासिफिकेशन दिया, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना गया। तो अपन कह सकते हैं कि आर एच व्हिटेकर 1969 प्रपोज ए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर। तो ये पूछा जाता है व्हिटेकर का, बहुत ही पॉपुलर, और आज हम जो जो स्टडी करते हैं मेनली वो फाइव किंगडम सिस्टम को ही फॉलो करते हुए करते हैं। क्लियर। आज भी ये प्रचलन में अच्छे से है, और यहां से ही काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, बड़ी से बड़ी नीट, एम्स, जिपमर, ठीक है, जो आजकल आपके नीट एक एनडीए जो एजेंसी है उसके थ्रू करवाया जा रहा है। क्लियर। और जेट आईसीआर
इनमें भी इनका काफी ज्यादा वेटेज होता है, काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके, ये देखिएगा, आर एच व्हिटेकर, ये है आपके आर एच व्हिटेकर, क्लियर? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, देखिएगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, इसको पांच किंगडम में डिफ्रेंशिएट किया। फर्स्ट है आपके मोनेरा, ठीक है, डायग्राम देखिएगा मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, ये देखिएगा प्रोटिस्टेंट्स, फिर है फंजाई, ये देखिएगा फंजाई, फिर है आपके प्लांटी, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को स्लाइड पे शो किया गया है, ठीक है, और फिर है एनिमेलिया, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है स्लाइड पर। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांच किंगडम को बताया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, और पांच जो किंगडम है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए कि आज ये बहुत ही अच्छा प्रचलन में भी है, और इसी के अकॉर्डिंग अपन सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, क्लियर? फोर किंगडम सिस्टम भी आया, थ्री किंगडम सिस्टम भी आया, सिक्स किंगडम सिस्टम भी आया, उसको अपन आगे देखेंगे, पहले अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, क्लियर? जिसमें सबसे पहले अपन मोनेरा के बारे में जानेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे, फंजाई के बारे में जानेंगे, प्लांटी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, क्लियर बेटा? ओके, तो देखते चलिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइव किंगडम्स और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो कैरेक्टर थे, मेन कैरेक्टर हैं, उनके बारे में अपन हाइलाइट्स जो हैं वो देख लेते हैं। तो देखिएगा, टेबलेट फॉर्म में मैं आपको इनके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर दे रहा हूं, क्लियर? ओके, तो देखिएगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बताया गया यहां पर, और इसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से कैरेक्टर को, और इसमें देखिएगा मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया, क्लियर? इन सभी को आप एक-एक कैरेक्टर बेसिस अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर बेटा? तो देखिएगा, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर आपके सेल टाइप, कि इन ऑर्गेनिज्म में टाइप ऑफ सेल कैसा है, ठीक है, कि सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोनेरा में जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप पाया जाता है। इट मीन अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो नेक्ड होगा, उस पर कोई आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, क्लियर? ओके, फिर प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है मतलब, फिर फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया यूकैरियोटिक है, क्लियर बेटा? सेकेंड कैरेक्टर जो है आपके यहां पर सेल वॉल होगा, कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, उसका कंटेंट क्या होता है, इस बेसिस पर अपन सेल वॉल कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मोनेरा में अपन बात करते हैं तो नॉन सेलुलोजिक होती है,
सेलुलोज की नहीं बनी होती बट पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, नॉन सेलुलोजिक होगी बट पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कुछ में ही प्रेजेंट होती है बाकी में प्रेजेंट नहीं होती। प्रोटिस्ट में सेल वॉल एब्सेंट होती है, मोस्टली अपन यू कह सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके, तो अपन कहेंगे नॉर्मली कि प्रेजेंट इन सम्स, ठीक है, कि कुछ में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेजेंट होती है फंजाई में विदाउट सेलुलोज और सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती, ठीक है, अदर कंटेंट पाया जाता है। प्रेजेंट होती है और ये क्या होती है, सेलुलोजिक होती है। क्लियर? सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो। क्लियर? ओके, तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि जो प्लांटी में प्लांटी मेंबर्स होंगे या प्लांट्स होंगे उनकी सेल वॉल का कंटेंट, मेन कंटेंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, सेलुलोज होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। फिर है थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मोनेरन्स में जो है वो एब्सेंट मिलेगा आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, नेक्ड होता है इसमें। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होगा, फंजाई में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लांटी में प्रेजेंट होता है और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपके नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस टाइप का होगा, ठीक है, सेलुलर लेवल पर जब अपन बात करते हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है यहां पर। तो देखिएगा, मोनेरन्स में सेलुलर लेवल का या यूं कह सकते हैं मोनो यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर मोनेरन्स मेंबर होते हैं, एक ही सेल का पूरा बॉडी बना हुआ होता है, जैसे अमीबा की बात कर ली जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सेलुलर फंजाई में मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू प्रेजेंट हो जाते हैं यहां पर, कुछ थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो जाता है यहां पर सेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहां पर जब अपन बात करते हैं एनिमेलिया की तो वेल डेवलप्ड जो ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, टिश्यू तो होगा ही होगा बट वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा? ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं यहां पर, कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचों किंगडम का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या यूं कह सकते हैं फूड प्रोडक्शन का जो तरीका है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा मोनेरन्स में वो होगा आपके ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में आ जाता है आपके सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक,
ठीक है। सेप्रोफाइटिक जो होंगे वो कोई भी ऑर्गेनिक डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करवाते हैं, या पैरासाइटिक किसी लिविंग ऑर्गेन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइटिक फॉर्म में या उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, या उसके साथ अटैच रहते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। अदर लिविंग ऑर्गन पर ये डिपेंड होंगे, इसलिए इसको पैरासिटिक बोल दिया जाता है। तो अपन कह सकते हैं मोरेन जो आपके मोनेरन्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, जैसे कीमोसिंथेटिक कोई भी केमिकल रिएक्शन से फूड का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं जैसे सेफ्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। क्लियर? ओके, ऐसे अपन बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन रखता है, ओके, लेकिन ये सेफ्रोफाइटिक या पैरासाइटिक नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हेटरोट्रॉफिक फंजाई जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब सेफ्रोफाइटिक और पैरासाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं। क्लियर बेटा? ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। क्लियर? तो बिल्कुल आपको ये ध्यान होना चाहिए, फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। क्लियर? फिर प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं इजीली, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सेल्फ फूड प्रोडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एनिमेलिया, एनिमेलिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, ठीक है, ये आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको देखा गया है यहां पर। फिर नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपके जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं कि किस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है वो ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, और सभी प्रोकैरियोट्स को कहाँ मेंशन किया गया बेटा? मोनेरन्स में, या यूं कह सकते हैं सभी मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ मेंशन्ड हैं? मोनेरा में। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस इन द किंगडम प्रोटिस्टा, और जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनको कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। ये देखिएगा, प्रोटिस्टेंट्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डायटम्स वगैरह, ठीक है, फ्लैंगटॉन्स, ये सारे क्या हैं? प्रोटिस्टा में रखे गए। फिर देखिएगा यहां पर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को यह रखा गया। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला पेलेस इन प्लांट किंगडम, और इनको कहां रखा गया? प्लांट किंगडम में। पैरामीशियम और अमीबा, ये देखिएगा, पैरामीशियम बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड है, देखिएगा, मूविंग स्लाइड, मजा आ रहा है देखने में। ओके,
तो देखिएगा पैरामीशियम और अमीबा, ये हो गया पैरामीशियम आपके और ये हो गया अमीबा। क्लियर बेटा? ओके। पैरामीशियम अमीबा पैलेस इन एनिमल किंगडम, और इसको कहां रखा गया? एनिमल किंगडम में रखा गया। क्लियर? फंजाई वेयर पैलेस इन ए सेपरेट किंगडम, और फंजाई जो है वो एक सेपरेट किंगडम में रखा गया या एक सेपरेट किंगडम क्रिएट किया गया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन आर मेनली बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन है आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ऑल द अबव। फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर। हाँ अच्छा अच्छा फटाफट आंसर दीजिएगा बेटा। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अभी आपने डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया, ट्रीज सब्स हर्ब्स में डिवाइडेशन किया, छोटे बड़े और भी बड़े। ठीक है बेटा? ओके नेक्स्ट देखिएगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आर प्रपोज बाय, सभी जानते हो आप, अरिस्टोटल, लिनियस, स्वामीनाथन, नन ऑफ दीज, तो कैरोलस लिनियस। ओके नेक्स्ट देखिएगा। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोकायरा आर पैलेस अंडर, तो टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोकायरा को कहां रखा गया? फंजाई में, प्रोटिस्टा में, एल्गी में, नन ऑफ दिस, एल्गी में। आर एच व्हिटेकर प्रपोज मल्टी किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, नन ऑफ दीज, बताइए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा की। सबसे पहले अपन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक एक किंगडम को डिस्क्राइब करूंगा मैं यहाँ पर, और अच्छे से अच्छे जो आपके स्लाइड में कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है आपके यहाँ पर। ठीक है, आप इस कंटेंट से हर एक कंपटीशन एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं वहाँ आए क्वेश्चंस को। क्लियर बेटा? और अपन कह सकते हैं हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा इजीली। क्लियर बेटा? ओके तो देखिएगा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के लिए अपन बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा में जो है सभी प्रोकैरियोट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि कौन कौन से मोनेरन्स हैं जिसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो अपन कहेंगे ऑल प्रोकैरियोटिक लाइक आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो किन किन मोनेरन्स को यहाँ रखा गया है या किन किन ऑर्गेनिज्म को यहाँ इंक्लूड किया गया है बेटा? आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर्स को यहां पर इंक्लूड किया गया है किंगडम मोनेरा में। क्लियर बेटा? ओके नेक्स्ट देखिएगा। सबसे पहले जो है आपके सबसे पहला आर्किबैक्टीरिया, दीज आर द स्पेशियल मोनेरन्स सिंस द
लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हॉर्स हैबिटेट। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आर्किबैक्टीरिया है वो स्पेशियल मोनेरन्स मेंबर हैं, ठीक है, जो हर एक मोस्ट हॉर्स हैबिटेट में अवेलेबल हो सकता है, इसकी अवेलेबिलिटी होती है, कहीं भी चले जाओ ये पाए जा सकते हैं, ठीक है, चाहे कैसा ही इन्वायरमेंट हो ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे कि सर्वाइव किस वजह से करते हैं ये, क्लियर, कि इनकी सेल वॉल में ऐसा क्या कंटेंट पाया जाता है कि ये हॉर्स हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखिएगा आगे, ये देखिएगा आर्किबैक्टीरिया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्किबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं अपने यहां, ठीक है। देखिएगा एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, और जो साल्टी एरिया में ज्यादा लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आर्किबैक्टीरिया होंगे उनको हेलोफाइल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? हेलोफाइल्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे आर्किबैक्टीरिया जहां साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं या प्रेजेंस रखते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। ये देखिएगा, क्लियर, बहुत ज्यादा जो है साल्टी एरिया होता है वहां पर ये ग्रो कर सकते हैं इजीली, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्लियर। सेकेंड है हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब हॉट स्प्रिंग का मतलब है गर्म क्षेत्रों में या जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, वहां पर ये पाए जाते हैं। थर्मो यानी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहां पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। फिर देखिएगा आगे है एसिडो का मतलब है एसिडिक मीडियम भी रहता है वहां पर, मतलब पीएच बहुत लो लेवल पे होता है, क्लियर, इसलिए अपन कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर लो पीएच लेवल पर ये सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब लो पीएच लेवल रहेगा तो एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा, एसिडिक मीडियम में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो देखिएगा इस टाइप के जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोल दिया जाता है, क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट देखिएगा मार्सी एरियाज मेथेनोजन्स, और जो मार्सी एरिया में या यू कह सकते हैं दलदले क्षेत्रों में भी आर्किबैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उनको मेथेनोजन्स नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेथेन गैस प्रोड्यूसर होते हैं या मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा ये रहे मेथेनोजन्स। तो अपन कह सकते हैं आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये देखो बात आ रही है आपके सामने। तो देखिएगा कि आर्किबैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस कहाँ होता है? उनकी सेल वॉल में होता है, ठीक है, क्योंकि आर्किबैक्टीरिया में स्पेसिफिक या स्पेशलाइज जो सेल वॉल क्रिएशन होता है वो अलग होता है कुछ अदर बैक्टीरिया से। तो देखिएगा क्या होता है, सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन। आर्किबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, वो बनी होती है स्यूडोम्यूरेन की। किसकी बनी होती है बेटा? स्यूडोम्यूरेन की, ठीक है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या हार्ड आप बोल सकते हैं कि किसी भी हैबिटेट में या हार्स हैबिटेट में सर्वाइव करने को बाधित कर सकता है, ठीक है, या प्रोटेक्ट करता है। बाधित का मतलब यहाँ हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब है कि स्यूडोम्यूरेन जो है वो इनकी सेल वॉल को इतना बढ़िया कर देता है कि ये हॉर्स हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, क्लियर,
ये देखिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इनकी सेल वॉल में जो है वो सुडो म्यूरेन पाया जाता है, ये देखिएगा। और जो आपके अदर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कुछ अलग होती है। सेल मेम्ब्रेन कंटेंट ब्रांच चेन लिपिड, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, ब्रांच चेन लिपिड होती है। क्लियर? तो देखिएगा मैं एक बार थोड़ा सा उस डायग्राम को वापस दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिएगा कि यहां पर सुडो म्यूरिन म्यूरेन जो है वो प्रेजेंट है, बट ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है आपके, ये देखिएगा ये वाली सिंपल बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, सॉरी सेल वॉल हो गई, और ये हो गई आपके आर्किबैक्टीरिया की। तो इसमें देखिएगा कहीं पर भी सुडो म्यूरेन प्रेजेंट नहीं है, पर इसमें सुडो म्यूरेन पाया जाता है। क्लियर? तो इस वजह से ये हॉर्स हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जिम्मेदार रहता है। कौन? सुडो म्यूरेन, ये देखिएगा, ठीक है, इसकी वजह से ही ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, मेथेनोजेंस is also present in the gut of the several ruminant animals such as cow and buffaloes. ठीक है, तो methanogens जो होते हैं वो mainly आपके जो ruminant animals हैं, ठीक है, जैसे cow हो गया, buffaloes हो गए, उनके उनके stomach में ये पाए जाते हैं जहां पर methane gas produce होती है। तो अपन कह सकते हैं मेथेनोजेंस आर द प्रोड्यूसर ऑफ मेथेन गैस। तो देखिएगा इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि मेथेन गैस के जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं, मेथेनोजन आर्किबैक्टीरिया। कौन होते हैं बेटा? मेथेनोजन आर्किबैक्टीरिया होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यू बैक्टीरिया के लिए बात कर लेते हैं अब अपन। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुताय में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ध्यान रखना। दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर कहीं पाए जा सकते हैं या जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं हर कहीं पर, मिल जाते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस, और ये एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, या डीप ओशियंस हो गए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वेयर एवरी फ्यू फॉर्म कैन सर्वाइव, और ये जो है कुछ फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, या यूं कह सकते हैं कुछ अलग फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। ये देखिएगा बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है, इकोलाई, एस्केरेचिया इकोलाई जो है आपके, कोलाई बैक्टीरियम, इकोलाई बैक्टीरियम है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है वो डीएनए पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लेजिला प्रेजेंट है। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट देखिएगा, मेनी ऑफ द बैक्टीरिया लाइव इन और वन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट एंड सम ऑफ देम एज सिम्बायोंट्स। तो अपन कह सकते हैं यहां पर कि कई बैक्टीरिया जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म पर या तो पैरासाइटिक फॉर्म में मिलेंगे या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के फॉर्म में, सिम्बायोंट्स फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात कर सकते हैं कि लेग्यूम प्लांट्स में जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोसिस करता है, या यूं कह सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोफिक्सेशन, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है उसमें हेल्प करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के तहत वहां पर रहता है। ठीक है, ओके। फिर ये पैरासाइटिक फॉर्म में, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन दियर शेप, और बैक्टीरिया को चार ग्रुप में डिवाइड किया है उनकी शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, चार ग्रुप में डिवाइड किया है, किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन दियर शेप, शेप के अकॉर्डिंग। देखिएगा, स्फेरिकल, कॉकस, ठीक है, ये देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट जो हैं आपके स्फेरिकल कोकाइज जो हैं वो बताए गए हैं कि किस तरीके से ये पाए जाते हैं। देखिएगा, इसमें देखिएगा एक स्फेरिकल शेप हो तो उसको कॉकस कह देते हैं, दो हो तो उसको डिप्लोकॉकस कह देते हैं, स्टेप्टोकॉकस कह देते हैं या स्टेफाइलोकॉकस कह देते हैं। ठीक है, और जो आपके राउंडेड होते हैं उसको टेट्राड फॉर्म में देख लिया जाता है। ये देखिएगा टेट्राड होते हैं, ये टेट्राड कोकाई भी बोला जाता है इनको। क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, रोड शेप्ड जिसे बेसिलस बोला जाता है, ठीक है, इनका साइज या शेप कैसी होगी, रोड के समान होती है। ये देखिएगा रोड शेप होते हैं। फिर आता है आपके कोमा शेप्ड जिसे विब्रियम कहा जाता है, ये देखिएगा कोमा शेप बैक्टीरिया हो गए आपके। स्पाइरल शेप जिसे स्पाइरलम, स्पाइरिलम बोला जाता है, ये देखिएगा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या शेप में ये रिप्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिज सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, और इनमें रिज सेल वॉल पाई जाती है और वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। क्लियर, आल्सो कॉल्ड म्यूरेन, और उसको क्या बोला जाता है, म्यूरेन बोला जाता है, और क्या बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसको क्या क्या नाम से बोला जाता है, ये आपको याद रखना है बेटा, म्यूरेन और म्यूकोपेप्टाइड, ये हो गई म्यूरेन और ये हो गई म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, जो रिच सेल वॉल बनाती है किसमें, बैक्टीरिया में, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक या यू कह सकते हैं स्पेशियल कैरेक्टर होता है सेल वॉल का। क्लियर, इसकी सेल वॉल का। ये देखिएगा पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल
प्रेजेंट होती है। अब यहां पर देखिएगा, दो टाइप के बैक्टीरिया रिप्रेजेंट हैं आपके पास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो थिन होती है, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। ओके, मतलब ग्राम पॉजिटिव में मोटी पेप्टिडोग्लाइकेन पाई जाती है या म्यूरेन लेयर मोटी होती है, और नेगेटिव में पतली होती है। क्लियर बेटा? ओके, द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मिजोसोम। और बैक्टीरिया में जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग कर लेती है या इनफोल्डिंग शो करती है, और एक स्पेशियल ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में वर्क करती है, जिसे क्या कहा जाता है, मिजोसोम्स कहा जाता है। देखिएगा, इसमें 70S राइबोसोम मिलता है, कैप्सूल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो नेक्ड होता है, और फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। फिर देखिएगा, प्लाज्मिड एक वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, या यूं कह सकते हैं प्लाज्मिड भी पाया जाता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। फिर देखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये है, ठीक है ना, ये वाली सेल मेम्ब्रेन है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे इनफोल्डिंग हो रही है, इस तरीके से इनफोल्डिंग हो जाती है, और इसको क्या कह दिया जाता है, मिजोसोम कह देते हैं, जो एक अलग से ऑर्गेनेल्स की तरह बिहेव करता है यहां पर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, और जेनेटिक मटेरियल अभी देखा है आपने कैसा होता है, नेक्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? नॉट एनवलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता। नेक्स्ट देखिएगा, डायग्राम साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, पिलाई हो गई, बैक्टीरियल फ्लेजिला हो गया, राइबोसोम प्रेजेंट, डीएनए नेक्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें फोल्डिंग पाई जा सकती है, जिसे मिजोसोम कहा है, अभी सेल वॉल प्रेजेंट है और कैप्सूल प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। और बैक्टीरिया में और सभी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, केवल एक ऑर्गेनेल्स को छोड़कर, एक्सेप्ट राइबोसोम। और वो क्या है, राइबोसोम। और किस टाइप का पाया जाता है बैक्टीरिया में, 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, मोटाइल बैक्टीरिया कंटेन वन और मोर फ्लेजिला। और मोटाइल जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक से ज्यादा फ्लेजिला रख सकते हैं। क्लियर? देखिएगा, ये रहा फ्लेजिला, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। और जो ये बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होती है, इसका बिहेवियर जो होता है वो अलग होता है, ये किसी भी कंडीशन पे या हर कंडीशन पर, क्रिटिकल कंडीशन पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इट मीन, क्लियर? बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट
एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और बैक्टीरिया के जो ग्रुप्स होंगे, या यूँ कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर कि किस तरीके से मेटाबोलाइट करवाया जा रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है बैक्टीरिया। फिर देखिएगा, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफिक केमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक का मतलब हो जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू फूड प्रोडक्शन करवा रहा है, और फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस से फूड का प्रोडक्शन कर रहा है। हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक पैरासाइटिक होते हैं और सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, ओके। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो फूड प्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सिंथेसाइज दियर ऑन फूड फ्रॉम सिंपलर इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस से क्या ले लेते हैं, फूड को प्रोडक्ट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले अपन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं इनको आप। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये देखिएगा। फिर सेकंड है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये केमोसिंथेटिक हो गए। मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो हेटरोट्रॉफ या हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकते। ठीक है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। क्लियर बेटा, ओके। सेप्रोफाइट्स विच लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, और सेप्रोफाइट जो होते हैं वो कहां से फूड का प्रोडक्शन करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। क्लियर, जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे ये फूड का प्रोडक्शन करते हैं या फूड लेते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया देख लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। नेक्स्ट है आपके साइनोबैक्टीरिया। देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें जो है वो मेनली क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को मेंशन किया गया है। ये देखिएगा, दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स की तरह ये क्लोरोफिल रखते हैं। क्लियर, कि इनमें ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्लियर, साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस
एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। ये सभी क्या हैं? एल्गी हैं। ठीक है, स्लाइड में आपके पास मेंशन है, देखिएगा आप अच्छे से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलिएगा। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ये, और क्या शो करता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करवाता है। ठीक है, ये देखिएगा, मतलब केल्विन साइकिल कंप्लीट करवा सकता है कि किस तरीके से कि लाइट, वाटर, CO2 केल्विन साइकिल कंप्लीट कर रहा है, सुगर प्रोडक्शन कर रहा है और O2 ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया सेल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए सेंटर सेंट्रल कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म विथ क्रोमेटिन मटेरियल एंड पेरिफेरल पिगमेंट क्रोमोप्लाज्म। और इसमें जो है वो क्रोमोप्लाज्म पाया जाता है। इट मीन अपन कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं द प्रोटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया सेल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए सेंट्रल कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म विच क्रोमेटिन मटेरियल एंड पेरिफेरल पिगमेंटेड क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, जो पेरिफेरल या परिधि पर जो होगा वो पिगमेंट क्या कहलाएगा? क्रोमोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, और क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो सेंट्रोप्लाज्म हो जाता है, कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म होता है इसमें। ये देखिएगा, तो अपन बात कर सकते हैं इसकी अच्छे से। देखो कि एक जो साइनोसोम्स होगा उसको आप फाइकोबिलिन्स बोलते हैं। ये देखिएगा, डॉटेड जो पॉइंट्स हैं इनमें, ठीक है, वो तो हो जाएंगे क्या आपके साइनोसोम्स। देखिएगा, इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, न्यूक्लियोइड जो सर्कुलर डीएनए है, नेक्ड डीएनए पाया जाता है, फिर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, राइबोसोम प्रेजेंट हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक लेमिला, फोटोसिंथेटिक लेमिला जो राउंड राउंड दिखाई दे रही है यहां पर इस तरीके की यू। ठीक है, यू वो क्या है? फोटोसिंथेटिक लेमिला। क्लियर, और इनमें जो इनके सरफेस पर जो है वो फाइकोब्लिसोम्स प्रेजेंट होते हैं डॉटेड फॉर्म में। ठीक है, जिनको साइनोसोम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? साइनोसोम्स कहा जाता है। फिर बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर फिर सेल वॉल हो जाती है और सेल वॉल के ऊपर जिलेटिनियस कोट होता है, जो ये डॉटेड लाइन दिख रहा है ना बाहर की तरफ इधर, ये क्या है? जिलेटिन का बना हुआ एक कवर है, जिलेटिनियस कोट जिसे कहा जाता है। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। द कॉलोनीज एंड ट्राइकोम्स और फिलामेंट्स आर सराउंडेड बाई जिलेटिनियस सेल्स।
और इसमें कॉलोनीज और ट्राइकॉम्स और फिलामेंटस जो होते हैं वो किससे घिरे होते हैं, किससे सराउंडेड होते हैं बेटा? जिलेटिनियस सीथ से सराउंडेड होंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपके जिलेटिनियस सीथ, जो आपके साइनोबैक्टीरिया है इसके ऊपर जिलेटिनियस सीथ पाया जा रहा है, जो चमकीला लस लसा सा होता है। दे फॉर्म वाटर ब्लूम इन द पोल्यूटेड वाटर, और ये पोल्यूटेड वाटर में एक ब्लूम की तरह दिखाई पड़ता है, या एक वाटर को पोल्यूटेड कर देता है और वाटर ब्लूम्स बनाता है, यू कह सकते हैं आप। ये देखिएगा, वाटर की सरफेस पर साइनोबैक्टीरिया का एक लेयर हो गया है जिसे वाटर ब्लूम कहा जाता है। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द रेड कलर ऑफ रेड सी इन ड्यू टू ट्राइको आपके ये ट्राइकोडेसियम है, ट्राइकोडेसमियम, ठीक है, ट्राइकोडेसमियम है और इरिथ्रियम प्रेजेंट होते हैं, दो जो साइनोबैक्टीरिया है जिसकी वजह से पूरा सी जो है उसकी लेयर जो है ऊपर से रेड कलर की हो जाती है। देखिएगा, ट्राइकोडेसमियम जिसे ये रेड रेड ब्लूम सा बन रहा है वाटर की सरफेस पर। फिर आता है आपके सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, या यूं कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाते हैं, जैसे नॉस्टॉक हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके नॉस्टॉक, इसमें एक स्पेसिफिक सेल होती है जिसे साइटोसिस्ट कहा जाता है, और बाहर की ओर जो है म्यूसिलेजिनस सीट हो जाती है, जिसे आप जिलेटिनस सीट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनाबिना में, ठीक है, हेट्रोसिस्ट हो गई ये तो, और ये एकाइनेट्स हो गई, एक एक्स्ट्रा स्पेशियल सेल पाई जाती है इसमें एकाइनेट्स। जैसे ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हार्मोगोनिया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? हार्मोगोनिया कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हार्मोगोनिया, और थिक वॉल्ड एकाइनेट्स, और उसके चारों ओर जो है वो एकाइनेट्स पाया जाता है, जो थिक वॉल एकाइनेट्स कहलाती है, उसके अंदर हार्मोगोनिया प्रेजेंट होंगे। तो देखिएगा, फ्लेजिला एब्सेंट इन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज, और यहां पर साइनोबैक्टीरिया में ध्यान रखना है आपको कि साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्टिव फेज में, या यू कह सकते हैं वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लेजिला एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिएगा, हार्मोगोनिया, ये जो आपके दिखाई पड़ रहा है, एकाइनेट्स, ये देखिएगा
एकाइनेट्स हो गए। देखो एकाइनेट्स और एकाइनेट्स मेनली कहाँ मिलते हैं, हेट्रोसिस्ट के पास वाली जो सेल्स होंगी उनमें। क्लियर? ओके नेक्स्ट देखिएगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब अपन बात कर लेते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो देखिएगा, जब भी अपन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, जब भी इनका डिकम्पोजिशन करवाया जाता है तो यहां से एटीपी फॉर्मेशन होता है या एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ऐसा क्यों करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या फायदा है इससे? तो देखिएगा, जब भी ये इनका ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं, इनको चेंज करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक है, नाइट्रेट्स में बदल रहे हैं, नाइट्राइट्स में बदल रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हर एक स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस होता है और वो एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको एनर्जी के रूप में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अपन कह सकते हैं कि इन बैक्टीरियाज को, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को एक एनर्जी मिल रही है एटीपी के फॉर्म में। क्लियर? इसीलिए ये ऐसा प्रोसेस करवाते हैं। वैसे भी देखो, सृष्टि पे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना जो किसी बिना यूटिलाइजेशन के किसी की सहायता करता हो। ओके? कहीं पर भी देख लीजिएगा, लेने का देना होता है। क्लियर? ओके नेक्स्ट देखिएगा, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर्स। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इनका जो मेन रोल होता है वो रिसाइकलिंग का होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको रिसाइकल करने का होता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, इनको ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करवाते हैं इन सब का। ठीक है, ओके, ये देखिएगा कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसको रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया जो हैं वो कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है, नोड्यूल्स फॉर्म में, लेग्यूम प्लांट्स में, और फिर वो वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है और एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? ओके नेक्स्ट है आपके, मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर सेफ्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स। मोस्टली जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं और सेप्रोफाइटिक हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक हैं यहाँ पर, और डिकम्पोजर्स होते हैं। क्लियर? कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक और डिकम्पोजर्स के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, मोस्टली। ये देखिएगा, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, और इसका जो सिग्निफिकेंट है वो ह्यूमन अफेयर में काफी यूटिलाइजेबल होता है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, तो मिल्क को आप दही में रूपांतरित कर सकते हैं इनकी सहायता से। ये देखिएगा, आइडिया लगाइएगा कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है,
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, ये देखिएगा, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ये देखिएगा पूरा नाइट्रोजन साइकिल को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है आपके, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, सम आर पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस भी हैं यहां पर, उनकी बात कर लेते हैं। कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, ओके, कि क्रॉप्स को, फार्म्स को, एनिमल्स को और पेट्स को ये क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं। कास्टिव एजेंट ऑफ मैनी डिजीज सच एज क्लोरेला, सॉरी कोरेला, कोलेरा, सॉरी कोलेरा, कोलेरा, टाइफाइड, ये टाइफाइड बैक्टीरिया है। इनके जो पैथोजेंस हैं, मतलब बैक्टीरियाज हैं, उनका नाम आपको होमवर्क के फॉर्म में करना है, क्लियर। मैं इनके नाम जो है क्वेश्चंस में बताने वाला हूं, क्वेश्चन के साथ इनको मैं डिस्क्राइब करूंगा, ओके। टिटनस, ये देखिएगा टिटनस जो बैक्टीरिया है। सिट्रस कैंकर, जो सिट्रस के प्लांट होते हैं उनमें जो डिजीज करवाता है उनको सिट्रस कैंकर कह देते हैं, ये देखिएगा येलो येलो स्पॉट्स आ जाते हैं लीव्स पर, क्लियर। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन, इनका अब अपन देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन होगा, बाइनरी फिजन में देखिएगा फिट्स रिंग बनेगी, फिट्स रिंग जो है इनके जो डीएनए है उसको डिपार्ट कर देती है, और जैसे डिपार्ट होता है ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल के फॉर्म में आ जाता है, और फिर से बाइनरी फिशन एक साइकिल कंप्लीट करवाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर, जिसे एंडोस्पोर्स कहा जाता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है और एक कोर के फॉर्म में स्टोरेज हो जाता है, बाहर कोट, आउटर मेम्ब्रेन, कॉर्टेक्स, जर्म सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इनर मेम्ब्रेन आ जाती है, इतने लेयरिंग हो जाती है, और कोर जो है वहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, क्लियर। ये रहा कोर, क्लियर। तो ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में ये अवेलेबल रहता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये वापस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडेप्टिंग ए प्राइमरी टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, और यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो अडेप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसमें डीएनए ट्रांसफर किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ये देखिएगा इस तरीके से। तो बैक्टीरियल सेल होगी, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, क्लियर। माइकोप्लाज्मा,
अब अपन बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर। माइकोप्लाज्मा आर प्लूरो पेलियोमॉर्फिक, इसको आप बोल सकते हैं पेलियोमॉर्फिक। माइकोप्लाज्मा क्या है? पेलियोमॉर्फिक है, ठीक है। सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म नॉट कॉन्स्टेंट और एग्जिट इन वेरियस शेप, और अपन कह सकते हैं पेलियोमॉर्फिक का मतलब कि इस ऑर्गेनिज्म का शेप जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये किसी भी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, या वेरियस शेप में ये पाया जा सकता है, बदल सकता है अपनी शेप को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म टू अल्टर देयर शेप और साइज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, और ये जो है वो अपनी शेप और साइज को एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्टोर कर सकता है, चेंज कर सकता है, बदल सकता है। क्लियर। ओके। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव कर जाता है। प्रीवियसली कॉल्ड प्लूरोन्यूमोनी ए लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्लियर। ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो आपको बता देना है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO, जो एक माइकोप्लाज्मा होता है, स्मॉलेस्ट सेल होती है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। फिर देखिए, इसमें लिपोप्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। ओके। मैनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पैथोजेंस के रूप में प्लांट्स में और एनिमल्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखिएगा, विच इज ब्रूम इन प्लांट्स, ये देखिएगा, प्लांट्स में ग्रो करते ही, या फिर कोई भी प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, वो प्रोडक्शन से पहले ही खराब हो जाते हैं। प्लूरोन्यूमोनिया इन कैटल में प्लूरोन्यूमोनिया हो जाता है, ये देखिएगा, एकदम शीतल अवस्था में आ जाता है जानवर। माइकोप्लाज्मा यूरेथ्राइटिस इन ह्यूमंस, ठीक है, यूरेथ्राइटिस करता है, ये देखिएगा। अब अपन बात करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज की, ठीक है, ये आपके मोनेरा में लास्ट मेंबर है। डिफरेंट एक्टिनोमाइसिटीज मेंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है यहां पर, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो एक्टिनोमाइसिटीज मेंबर होंगे वो अपने कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, अपनी एक इंडिविजुअल कॉलोनी, जो कॉलोनी होती है इनकी, ये कॉलोनी टाइप में रिप्रेजेंट होते हैं। क्लियर। मतलब एक इंडिविजुअल कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ये देखिएगा,
ठीक है। सेल वॉल कंटेंस माइकोलिक एसिड, और इनमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? माइकोलिक एसिड की बनी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स, और ये क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। सम ऑफ देम आर पैरासिटिक, और कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम एंड, ये हो जाएगा आपके क्रायो बैक्टीरियम, ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज से आप एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। मेंबर्स एस्पेशियली द जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये किस जीनस के मेंबर होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, माइसी स्ट्रेप्टोमाइसी जो जीनस है उसके मेंबर होते हैं, जहां से एंटीबायोटिक्स बनती है एक्टिनोमाइसिटीज के लिए। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बैक्टीरिया विच लिव अंडर एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस, एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, मैथेनोजेंस, नन ऑफ दीज। बताइए कि हॉट कंडीशन मतलब टेम्परेचर हाई, थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके, थर्मो एसिडोफाइल्स होंगे। नेक्स्ट, दे इनफोल्डिंग ऑफ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिजोसोम, क्रोमेटोसोम, नन ऑफ दीज, मिजोसोम। नेक्स्ट देखिएगा, हेट्रोसिस्ट रिलेटेड टू फॉलोइंग फंक्शन, कि हेट्रोसिस्ट का काम क्या है? कार्बन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फोरस फिक्सेशन, मैग्नीशियम फिक्सेशन। अभी अभी अपन ने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्पोर और एंडोस्पोर आर फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ दीज। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर या एंडोस्पोर का फॉर्मेशन किया जाता है, जो एक और के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और बाहर की तरफ लेयरिंग हो जाती है, जिससे प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट, थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।